जय हिंद। मैं हूं शशिकांत। द कश्मीरी फाइल्स मूवी पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार और नरसंहार पर बनी यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। विवेक अग्निहोत्री यशस दिखा पाए और सबके सामने एक मूवी के रूप में द कश्मीरी फाइल्स लेकर आए, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब हम बात करते हैं इस मूवी के अब तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। 11 मार्च 2022 को देश भर के 600 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई यह मूवी अब तक 60 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। पहले दिन शुक्रवार को यह मूवी 3 करोड़ के आसपास की कमाई कर पाई। शनिवार को दूसरे दिन यह मूवी 8-8.5 करोड़ के आसपास की कमाई कर पाई। तीसरे दिन रविवार को यह मूवी 15 करोड़ के आसपास की कमाई कर पाई। सोमवार को यह मूवी 15 करोड़ के आसपास की कमाई कर पाई और पांचवें दिन मंगलवार को यह मूवी लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई। अब तक इस मूवी को देश भर में 2000 से ज़्यादा स्क्रीन मिल चुके हैं और 60 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि फिल्म की कमाई को लेकर एक अलग सा ट्रेंड दिख रहा है। बल्क बुकिंग की संख्या बढ़ी है, यानी एक साथ बड़ी संख्या में टिकट खरीदे जा रहे हैं। फिल्म न सिर्फ मल्टीप्लेक्स बल्कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भी बढ़िया कमाई कर रही है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इससे पहले किसी भी फिल्म के लिए इस तरह की बल्क बुकिंग देखने को नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी संख्या में एक साथ 50 से 100 टिकट खरीदे जा रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म के एनालिस्ट की तरुण आदर्श की अगर जो माने तो यह मूवी बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। अगर जो ऐसी ही स्थिति रही तो आने वाले कुछ दिनों में यह मूवी 100 करोड़ से के पार जाने की संभावना है। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार सहित ऐसे तमाम स्टार हैं जो इस मूवी में काफ़ी अच्छा अभिनय किए। विवेक अग्निहोत्री का आरोप है कि इस मूवी के प्रमोशन और प्रचार प्रसार के लिए उनको ज़रूरी प्लेटफॉर्म नहीं मिले। तमाम बॉलीवुड के बड़े स्टार इस मूवी को लेकर चुप्पी साध रखी है। किसी भी बड़े स्टार ने इस मूवी के विषय में किसी भी प्रकार की ना ट्वीट किए, ना सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ लिखा, ना ही किसी भी मीडिया में उन्होंने किसी भी प्रकार का बयान किया। एक बड़ा बॉलीवुड का तबका इस तरीके से शांत बैठे, चुप बैठे, जबकि यह मूवी पूरे देश भर में लोकप्रिय हो रही है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं और एक तरीके से इतिहास रचने के तरफ अग्रसर हो रही है, तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े करते हैं। विवेक अग्निहोत्री इन तमाम बॉलीवुड स्टारों को लेकर आरोप भी लगा चुके हैं। करोड़ों अरबों में खेलने वाले यह लोग का एक अलग माइंडसेट है, एक अलग एजेंडा है और ऐसी जो छोटे स्टार हैं जो संघर्ष के बल पे आगे आते हैं, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, सच दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनको एक तरीके से इग्नोर किया जाता है, अनदेखा किया जाता है और ऐसा प्रयास किया जाता है कि उनकी जो मूवी है हिट ना हो पाए और सिनेमाघरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह नहीं पहुँच पाए। हालाँकि यह मूवी रिलीज़ होने के कुछ ही दिनों के अंदर देश भर में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया। इस पर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता जो हैं इस पर बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा है एक तरीके से पूरे भारत में केंद्र का विषय हो चुका है और यह एक अच्छी पहल है। और मूवी बनाने का भी मकसद यही होता है कि अगर जो हम कुछ मैसेज दें, कुछ दिखाएँ, तो उसकी क्रिया हो, प्रतिक्रिया हो, एक सकारात्मक बहस हो, सकारात्मक पहल हो और जो भी चीज़ें हो एक सही वे में जस्टिस मिले। वाकई जो कश्मीरी पंडितों ने दर्द झेला है अपने ही देश में पलायन, आप सोच सकते हैं कि आप रात में सोए हैं और रात में आपके घर आकर अगर जो कोई आपके बहन बेटी के साथ रेप करे, आपका घर जला दिया जाए, आपको घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया जाए, किसी भी प्रकार से आपको मदद न मिले, तो यह जो पीड़ा है, यह जो एक जो स्थिति होगी, यह जो क्रूरता वाली जो स्थिति होगी, इससे आपके बच्चे पे, आपके दिमाग पे, आपकी मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी कल्पना हम या आप नहीं लगा सकते हैं। वाकई जो कश्मीरी पंडितों के साथ, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यह मूवी आप जाइए देखिए, सिनेमाघरों में देखिए और
अब देखिए कि अपने ही देश में अपने ही लोगों को ऐसी नरक से बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों आज तक इस पर चुप्पी साधी गई? क्यों नहीं अब इस पर कोई विचार किया जा रहा है, कोई कड़ा रुख अपनाया जा रहा है? क्यों नहीं इस पर जांचें बैठाई जा रही हैं? निष्पक्षता से जो इसके जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जो लाखों कश्मीरी पंडित अभी भी अपने घरों से दूर टेंटों में रह रहे हैं, एक तरीके से नरक से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनके जीवन को बदलने के लिए, उनके घर वापसी के लिए क्यों नहीं ऐसा कोई सकारात्मक और ठोस प्रयास किया जा रहा है? यह मूवी आप ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने परिवार के साथ देखिए, और ऐसे लोग जो हैं इस पे जो अगर जो मूवी नहीं देख पा रहे हैं और पैसे नहीं हैं उनके पास, तो आप उनकी सहायता करिए, मदद करिए, और उनको जो यह सच है वो ज़रूर दिखाइए। यह वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, अगर जो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर जो Facebook को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। देश दुनिया की ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं शशिकांत मिश्रा, जय हिंद।